अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं आपके लिए बॉटम डिज़ाइन लेके आई हूँ फैंसी शीशों वाला डिज़ाइन है मोती का इसमें काम किया हुआ है तो आप लोगों के लिए ये लेके आई हूँ जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और हमारे कमेंट्स दें ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके तो आइए बनाते हैं हम डिज़ाइन तो व्यूवर्स सबसे पहले हमने क्या करना है कि दस इंच का तक का कपड़ा जो हमारे पास उस पर हमें चौक से निशान लगाना है उसके पास सबसे ऊपर लैस की पट्टी लगानी है और नीचे से मोड़ देना है तो हमारे पास आठ आठ इंच बचेगा तो उसके बाद हमने चिप्पी का टुकड़ा लेना है जो कि सात इंच जिसकी लंबाई होगी और छः इंच चौड़ाई होगी तो चिप्पी का टुकड़ा ले कर तो उसको ये हमने पहले नीचे से इसको सी लिया हुआ है ताकि हमारी वीडियो छोटी बने और आपको समझ भी आए तो इसको सीने के बाद हमने इसको जो है ना वो चेपी का टुकड़ा लिया जो छः चौड़ा और सात इंच है उसको हमने आयरन के साथ बिल्कुल सेंटर में चिपकाया है सेंटर में चिपकाया है उसके बाद सेंटर में चिपका के तो हमने अच्छी तरह उसको चिपकाने के बाद सीधा कर लिया और उसके ऊपर हमने चौक से लाइने लगाई हैं चौक से लेने लगाने के बाद हमने सेंटर किया और लाइने लगाई ये आपके सामने हैं ये लाने मैंने पहले हल्की हल्की सी लगाई हैं हाशिए दिए हुए हैं उसके बाद अब मैं इनको तेज़ करती हूँ आपके सामने ताकि आपको भी तरीक़ा का तरीके की कार की समझ आए कि ये कैसे लेने लगनी है चौक हमेशा यही वाला यूज़ करें क्योंकि जो दर्जी वाला चौक होता है वो ज़रा एक्सपेंसिव भी होता है और उसकी वो जल्दी उतरता नहीं है ये वाला चौक जो है ये जल्दी उतर जाता है तो वीवर आप हमेशा अल्लाह पाक आपको खुश रखे आबाद रखे तो ये तकरीबन डेढ़ इंच का फ़ासला है हमारा तो इसके अंदर हमने एक लाइन और भी देनी होती है इसलिए ये डेढ़ इंच का फ़ासला होना है तो मेरी प्यारी बेटियाँ बहनें जो ये सीख रही हैं उनको अल्लाह पाक अच्छी समझ अता फरमाए और उनके नसीब अच्छे फ़रमाए और अपनी रहमतें बरकतें नीमतें रमज़ान शरीफ की बरकतें सारी उन पर अल्लाह पाक निछावर करे जो भी ये सीख रही हैं उनको अल्लाह पाक अच्छी समझ अता फ़रमाए और अपने अपने ख़ज़ाने से अल्लाह पाक उनको अच्छे से अच्छा जो है वो अमल अता फरमाए ये मेरी दुआ है उनके लिए जितनी भी बेटियाँ हैं जितनी भी बहनें हैं जितनी भी बच्चियाँ हैं जिनकी जितने मसले हैं वो सारे अल्लाह पाक जो है वो ख़त्म करें अब ये हमने लाइनें लगा ली अब एक एक लाइन हम इसके सेंटर में लगाएंगे ताकि ये हमारी डिज़ाइनिंग की लाइनें मुकम्मल हों अब ये देखें ना ये लाइनें इजी लग रही हैं हमेशा से माँ वालदेन की कोशिश होती है कि हमारे बच्चों के अच्छे रिश्ते हों हमारी बेटियाँ अच्छे घरों में जाएँ जो जिनकी शादी होती है हुई, हुई हुई होती है उनके वाले की हमेशा से कोशिश होती है कि उनको अपने अपने घरों में सुख सुकून हो तो अल्लाह पाक साहब की ख्वाहिश पूरी करे ये मैंने मल्टी नलकी ली है तो मल्टी नलकी इसलिए ली है मैंने कि रेशमी नलकी है ये ऊपर चलती है तो ये इसकी शर्ट है और इसकी शर्ट पे ये काम सारा मल्टी हुआ हुआ है ये जिसके मैं बॉटम बना रही हूँ तो ये सारा काम मल्टी हुआ तो फरोज़ी कलर इसमें है बहुत कम है तो फरोज़ी कलर जो है उस उसकी मैंने क्रेशिया लैस ली है और वही मैंने बाजुओं पे यूज़ की है और वही मैंने इधर की है और जो मल्टी नलकी है वो इस काम के साथ बिल्कुल मैच हो रही है तो इसीलिए मैंने यही वाला धागा यूज़ करना है ताकि इसके ऊपर जब डिज़ाइन बनाऊँ तो ये पता ना लगे कि ये इसी के साथ का है या ये अलीहदा से बना हुआ है अब मैंने मशीन पे इसको चलाया है तो ये जो धागा है इसकी थोड़ी सी से सेटिंग करनी पड़ती है आप पहले थोड़ी सी से इसकी सेटिंग कर लें किसी और कपड़े के ऊपर फिर इसको आप फैब्रिक के ऊपर चलाएं डबल डबल आपने सिलाई लगानी है दो सिलाइयाँ आपने लगानी है तो दो सिलाइयाँ जब आप लगाएंगी तो, तो सिलाई थोड़ी सी मोटी हो जाएगी तो वो बहुत प्यारी लगेगी जैसे दर्जी लगाते हैं हमेशा से वो जब डिज़ाइन वाले कपड़े बनाते हैं उनके ऊपर सिलाइयाँ लगाते हैं तो वो दो दो सिलाइयाँ एक जगह पर लगाते हैं तो वो प्यारी लगती हैं तो वीवर्स मैं ये आपकी आसानी के लिए बहुत ही आराम से बनाती हूँ वीडियो को आप पूरा और मुकम्मल देखा करें अगर आप पूरा और मुकम्मल देखेंगे तो आपको डिज़ाइन की समझ आएगी आपको हमेशा से इसकी समझ आएगी कि ये कैसे बनता है और किस तरह से ये मैं बना रही हूँ मेरे हाथों की मूवमेंट को देखा करें जैसे मैं हाथ घुमाती हूँ इसी तरह आप करें मैं जब भी क्लास बैठाती हूँ तो मैं अपने शगिरदों से यही कहती हूँ कि आप बेटा मेरे हाथों को देखा करें मेरी बातें ना सुना करें मेरे हाथों को देखा करें जैसे जैसे मैं अपने हाथ घुमाती हूँ आप भी वैसे वैसे अपने हाथ घुमाया करें फिर ही डिज़ाइन आपका अच्छा बनेगा और ठीक बनेगा और आप यकीन जाने अगर कोई एक बच्ची मेरे से सौ दफ़ा पूछती है तो मैं उसको सौ दफ़ा ही बताती हूँ कि इसको आपने ऐसे बनाना है कभी मैं उसको ये नहीं कहती हूँ कि मैंने आपको नहीं बताना आपने मेरा सर खा लिया है आप ये है वो है नहीं माशाल्लाह से मेरी इतनी शिक्दें हैं तो मैंने सिलाई पे खुद बुक लिखी हुई है अपनी ज़ाती बुक मैंने लिखी है सिलाई के ऊपर खुद प्रिंट करवाई है उसके अंदर डिज़ाइनिंग डाली हुई है तो ये तो मैं अपने शौक से चैनल बनाया और मैं ये कर रही हूँ कि चलो तो सबको पता चले ये और ये मैंने सारी सिलाइयाँ इसकी मुकम्मल कर ली हैं अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी डबल डबल की हैं तो ये देखें मल्टी धागा है तो ये सारा कितना नाइस लग रहा है अब इसके ऊपर हम तीन शीशे लगाएंगे कि पहले नीचे और ऊपर हम एक एक सिलाई लगाएंगे मल्टी धागे की अब मैं आपको मशीन पे जो है वो शीशे लगाने का तरीका बताती हूँ कि मशीन पे शीशा कैसे लगता है तो आपने मशीन पे शीशा लगाना है बड़े आराम से और सुकून से कि सिलाई मशीन पे कैसे शीशा लगता है और हाथ से भी लगता है तो सिलाई मशीन पे कैसे शीशा लगता है ये आप देखें मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे लगेगा सिलाई मशीन पे शीशा तो वीवर आप लोग हमेशा से कोशिश किया करें कि आप समझें और देखें स्किप वीडियो को ना किया करें स्किप करने से पॉइंट मिस हो जाता है जब पॉइंट मिस होता है तो फिर समझ नहीं आती तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि सिलाई मशीन के साथ शीशा कैसे शीशा कैसे लगता है ये मैं अब आपको तीन शीशे लगने हैं इसके अंदर डिज़ाइन के तो मैं आपको एक लगा के समझा रही हूँ कि कैसे लगता है सिलाई मशीन पे शीशा अब आपने करना क्या है कि शीशे को आपने जो उसका बहरला किनारा है वो आपने सिलाई मशीन के पैर के नीचे रखना है बड़े आराम और प्यार से और आपने मशीन को हाथ के साथ चलाना है आराम आराम से उसको मोटर नहीं दबानी आपने अपने हाथ के साथ एक एक टंग का आपने करना है और आराम आराम से इसको घुमाना है और दबा ज़्यादा नहीं देना है कि शीशा टूटे नहीं और ये शीशा बड़ी नफासत से और बड़ा प्यारा लगेगा ये मैं अपने हाथ की मोमेंट आपको बता रही हूँ कि मैं ये शीशा ये मशीन में कैसे घुमा रही हूँ जैसे जैसे मशीन घुमा रही हूँ वैसे वैसे मैंने आपको आपको दिखाया है तो साथ में मैं ये इसको इस बॉटम को भी घुमा रही हूँ तो ये बड़े प्यार से मैं लगा रही हूँ इसको इसी तरह से आप सुई से इसको जैसे भी लगाएंगे ये उतना मज़बूत और उतना अच्छा और नफासत वाला नहीं लगेगा जैसे ये मशीन के साथ लग रहा है तो मशीन के साथ जब लगेगा तो आप देखेंगे अपनी बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा शीशा लगेगा ये तजर्बा करके देखें आप मैं जो भी सिखाऊंगी आपको इन शाला तला नए से नया सिखाऊंगी ये आपको आज तक किसी ने नहीं, नहीं सिखाया होगा कि मै सिलाई मशीन के साथ भी शीशा लग जाता है क्योंकि सिलाई मशीन के साथ शीशा लगाना कोई भी नहीं सिखाता सुई के साथ ही लगते हैं शीशे बड़े जितने भी शीशे हैं वो सिलाई मशीन के साथ लग जाते हैं जो छोटे शीशे हैं वो हाथ से लग जा सकते हैं अब मैं ये धागा काट के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना नाइस लग रहा है हमेशा से धागे आप साथ साथ ही काटती जाएं क्योंकि वो सफाई होती है और सफाई रहती है ये देखें पीछे से भी बिल्कुल ठीक लगा और आगे से भी देखें कितना साफ़ सुथरा लग रहा है अब इसी तरह हम तीसरा दूसरा और तीसरा शीशा लगाएंगे अब मैं तीनों शीशे आपको लगा के ये देखे देख लें मैंने तीनों शीशे लगा लिए हैं और मैं पीछे से भी उसका बखिया बिल्कुल ठीक आया है और सामने से भी देखें आप साफ सुथरे और नीट लगे हुए हैं और सिलाई मशीन के साथ लगे हुए हैं तो अब हमने इसके ऊपर मोती लगाने हैं इसके ऊपर आप कोने पे भी एक एक मोती भी लगा सकती हैं और इस पर ज़्यादा मोती भी लगा सकती हैं तीन तीन भी लगा सकती हैं ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कितने मोती लगाना चाहती हैं मैंने इसके ऊपर तीन चार चार मोती लगाए हैं एक लाइन के ऊपर आप इसके कोने पे भी एक एक दे सकती हैं दो दो भी दे सकती हैं ये अपनी अपनी पसंद होती है कि आपने कैसे मसलन के इसको बनाना है मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं तो आइडियाज़ में जो है वो मैंने आपको बताया कि ये ऐसे बनता है तो ये डिज़ाइन मैंने आपको दिया है बनाने के लिए तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे आबाद रखे हमेशा से अल्लाह तमाम उमत मुसलमान पे जो ये आफत आई हुई है सारी दुनिया पे आई हुई है इसको अल्लाह पाक टाले और रमज़ान शरीफ के सदकिया हम सब माफ़ करें और तमाम बच्चियाँ खुश आबाद रहें मेरी बेटियाँ जितनी भी हैं जितनी परेशान हैं जिनके रिश्ते नहीं हुए अल्लाह पाक उनके रिश्ते करे जिनकी कोई घरेलू मसले हैं अल्लाह पाक उन सब के मसले ठीक करे हमेशा से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अपनी रहमत बरकते नीमते हमारी तमाम बहनों बेटियों पर नाजल फरमाए उनके भाइयों शहरों पर बापों पर सब पर अपनी रहमत रहम बरकते नीमते नाजल फरमाए कारोबारों में सब में ताकि अल्लाह पाक उन सब को जो है ना वो अपनी बरकत से नवाजे तो हम औरतें जो हैं वो नमाज़ पढ़ के दुआ कैया करें तो हमारे इन शाह तारोबार में तरक्की होगी हर चीज़ में तरक्की होगी अगर हम ही नमाज नहीं पढ़ेंगी और बेनमाज़ बेनमाज़ हो के हम खाना खिलाएँगे अपने घर वालों को तो उनकी कमाइयों में क्या बरकत होगी जब नमाज़ पढ़ेंगी तो कुरान पढ़ेंगी तलावत करेंगी तो बिस्मिल्लाह से खाना बनाएंगी शुरू करेंगी तो फिर खाने में भी बरकत होगी और कमाइयों में भी बरकत होगी तो इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है तो देखें ये मोती में इस तरह से लगा रही हूँ आपको जैसे मोती पसंद आए एक एक आए दो आए तीन आए जिस तरह आपको अच्छा लगे आप वैसे लगाएँ मोती लगाने का तरीक़ा भी मैं आपको समझा दिया है तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मोती लगाएं जितने आपको पसंद हो ये फ्रोज़ी कलर मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको शर्ट दिखाई थी कि उसमें शॉर्ट है और मल्टी है तो मल्टी भी मैंने ऐड कर दिया और फ़्रोज़ी भी उसमें ऐड कर दिया ताकि ये उसके साथ मैच कर जाए शर्ट के साथ अब ये शर्ट के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है तो इन किसी और नई वीडियो के साथ और नए यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तो अल्लाह पाक तब तक आप सब को खुश रखे आबाद रखे और हमेशा हमेशा आप सब लोगों को खुश रखे और हर एक को हर मुसीबत से अल्लाह पाक दूर रखे तो वीवर्स हमेशा नमाज पढ़ें और क़ुर पाक की तलावत करें और तर्जमे के साथ तलावत करें चाहे एक दो लेने पढ़ें पुरानी पाक की आप जो तलावत है वो आप हमेशा जो है वो तर्जमे के साथ करें अब ये देखें मैंने मोती लगा लिए और ये सब चीज़ें एक जैसी होगी अब आप आपके सामने ये डिज़ाइन है तो माशाल्लाह कितना प्यारा है तो अब आप, आप इस लाइक तो इसका बनता है लास्ट का मैंने आपको पहले सिखाया था तो अब इसका लाइक तो बनता है